जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक अति शिक्षकों के बारे में जो नई नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, और यहाँ आप देख सकते हैं दिनांक 14 जून 2019 को जारी किया गया है। प्रति में दिया हुआ है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय में दिया हुआ है कि अतिथि शिक्षकों के पंजीयन एवं KYC के उपरांत आवेदन का सत्यापन। संदर्भ में दिया हुआ है कि लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक रामासी अतिथि 2019/16/91 दिनांक 29/5/2019 के संदर्भ में दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की निम्नानुसार अंतिम तिथियां निर्धारित की जाती हैं, यानी कि जो अंतिम तिथि है निम्नानुसार निर्धारित की जाती है, क्रमांक, गतिविधि और अंतिम तिथि। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन, जिसके आधार पर स्कोर कार्ड जनरेट होगा। सत्र 2018-19 में स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को राज्य स्तर से रिलीव कर दिया गया है। यदि किसी आवेदक को योग्यता जोड़ना है तो वे आवेदन को अनलॉक करके जोड़ने के उपरांत सत्यापन अवश्य कराएं। 17 जून 2019 तक कर दी गई है अंतिम तिथि। दूसरा है अनुभव प्रमाण पत्र हेतु क्लेम फार्म का सत्यापन। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु क्लेम फार्म जनरेट कर संकुल कार्यालय में जमा करना। संचालनालय का पत्र क्रमांक 15/82/15/5/2019 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार 30 जून 2019 तक संकुल प्राचार्य द्वारा क्लेम फार्म के सत्यापन का सॉफ्टवेयर NIC द्वारा अपडेट किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया एवं अंतिम तिथि पृथक से जारी की जाएगी। जयश्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, दिनांक 14 जून 2019। प्रतिलिपि में आप देख सकते हैं किसे किसे प्रतिलिपि किया गया है। विशेष सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी NIC भोपाल, कलेक्टर समस्त जिले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो कोई भी प्रश्न है पूछने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चल सके।